हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सिप्ला के बारे में। तो आज उसने अपने 10% का अपर सर्किट लगाया था, तो क्या कल किस के टारगेट्स हो सकते हैं, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यार तुम लोगों को बहुत जल्दी हम अच्छे अच्छे ट्रेड्स पे हम आपको रिव्यू देंगे। तो प्लीज़ शेयर करना वीडियो अगर अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। तो यार सिप्ला ने आज अपना 10% तक का अपर सर्किट लगाया था और उसका डे हाई है 814 और जो डे लो था 751 वो तो आपको मायने बात नहीं है, और 795 पे आज ये क्लोज दिया है इसने। तो इसका आज रिज़ल्ट आया था और उसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन आए हैं, और जो फार्मा सेक्टर है अभी सबसे ज़्यादा कह सकते हैं न्यूज़ में है, सबसे ज़्यादा फार्मा सेक्टर न्यूज़ में है, क्योंकि कोविड की वैक्सीन के ऊपर भी सिप्ला बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, और हर सेक्टर में सबसे ज़्यादा बुलिश अभी फार्मा ही है। तो ये शेयर को ख़रीदने की सलाह होगी, क्योंकि अभी 795 आ चुका है, तो अराउंड 900 का टारगेट इस पे आप देख के चल सकते हैं। और आज बहुत सारी रेटिंग एजेंसी ने भी इसके टारगेट्स बढ़ा के अच्छे दिए हैं। तो अब सबसे पहले हम इसकी मार्केट कैपिटल की बात करते हैं, तो 64,149, और जो डिविडेंड यील्ड है वो भी इसके 0.550 है, 50 जो कम है, पर फेस वैल्यू बहुत अच्छा देती है ये, और जो इसका बुक वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा शानदार है। इसकी स्ट्रेंथ देखिएगा तो आज इसने अपना नया 52-week हाई लगाया है, ग्रोथ हुई है नेट प्रॉफिट में, मार्जिन में, और ईयरली बेसिस में कंपनी लो डेट है, कंपनी में कोई भी डेट ज़्यादा नहीं है। एनुअल नेट रिपोर्ट्स इम्प्रूव हुई है लास्ट 2 साल की, और कंपनी विद 0 प्रमोटर प्लेच। तो स्टॉक ने सबसे बड़ी बात यह है कि 20% 1 महीने में गेन किया है, और अभी बहुत बाकी इसमें आना है। तो इसमें सबसे एक ही वीकनेस है, जो कि वो डिक्रीज़ हुआ था पिछले बार क्वार्टर में शेयर होल्डिंग, जो मेरे हिसाब से वापस से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अपॉर्चुनिटीज़ देखिए, थर्ड रेजिस्टेंस आज इसने ब्रेकआउट किया है, और हाईएस्ट रिकवरी की है इसने 52-week लो से, और हाई वॉल्यूम है और हाई गेन है। और भी बात बताता हूँ, अब इसका अपन चार्ट में आपको दिखाता हूँ। तो इसका जो चार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, देखिए हर जगह आप देखेंगे यहाँ पे इसने अपने ऊंचाई के स्तर पे ही आई है। और कल मेरे हिसाब से कल ये अराउंड 900 के पास जा सकता है, ये कल आराम से कल 900 तक जा सकता है, ये 900 में तो 850 तो आप देखिए बहुत आसानी से जाएगा। तो मैं आपको ये शेयर ख़रीदने की सलाह देता हूँ, तो प्लीज़ बाय करिए, और देखिए आप इसका रिटर्न्स के बारे में, तब भी बहुत अच्छे रिटर्न दिए, 66% दिए हैं YTD में, 1 month में 24, 1 week में 11, 3 months में 39, 6 month में 79, 1 year में 67, बहुत ज़्यादा अच्छे टेक्निकल है। इसके फ्यूचर्स की बात करें तो 802 पे ट्रेड कर रहा है 27th अगस्त की एक्सपायरी, 24 सितंबर की एक्सपायरी में 803, पर 29th अक्टूबर की एक्सपायरी में 808। तो चार्ट्स भी टेक्निकल बहुत अच्छे साउंड करते हैं, तो इसमें आपको बाय करने की सलाह रहेगी, और 900 के टारगेट्स आपको इस मंथ के एंड तक आते हुए अचीव होते हुए दिखेंगे। तो ज़रूर शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू दोस्तों।